एमपी बोर्ड के हमारे सभी बच्चे ध्यान देंगे, 9 फरवरी के दिन जो आपका एग्जाम है, अभी भी है मौका, मत खाओ धोखा, किसी के भरोसे मत रहो, रियल पेपर नहीं है, ठीक है, किसी के पास भी ना, मेरे पास है ना किसी दूसरे के पास है, मैं तो भैया IMP चीज़ें आपको बता रहा हूँ और हिंदी में भी बताई थी मैंने और उन्हीं में से फंसा था। नहीं मानते हो तो अभी जाकर आप देख लेना चैनल पर, हिंदी में पूरा फंसा था पर, लेकिन बेटा एक पेपर से कुछ नहीं होने वाला, ABCDE ऐप। अब बात करें तो ऐप तक 6 पेपर रटने की जरूरत नहीं है, एक दूसरे में मिक्स रहेंगे, 2 से 3 पेपर है पूरे यदि बात करेंगे तो। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो करते हैं शुरू। ठीक है, रामेन इति रूपम कस्य विभक्ति अस्ति तृतीया। ठीक है, राजन शब्दस्य प्रथमा विभक्ति बहुवचनस्य रूपम राजना, रमा इति शब्दस्य बहुवचनम रूपम अस्ति रमा नाम। ठीक है भैयू, आगे बढ़ते हैं और बढ़िया से, मैंने कहा ना बढ़िया से कंप्लीट करो, जिनको भरोसा नहीं है हिंदी का पेपर पूरा आया था पूरा, ठीक है, जाकर एक बार देखो तो सही। ठीक है, अब मैंने नहीं कहा कि रियल है मेरे पास, मैं ये कह रहा हूँ कि 6 पेपर दे रहा हूँ आपको, 6 पेपर उसी में से फंस रहे पूरे के पूरे, ठीक है, ये कह रहा हूँ बस, सीधी सी बात है। यहाँ से देखिए तो ठीक है भैयू, ये अपन रिक्त स्थान देखेंगे तो रिक्त स्थान को आप पूरा देख सकते हैं इस तरह के से, जोड़ी जो है पूरा कॉपी में सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करूंगा, घबराना नहीं है, अभी भी मौका है, जाकर एक बार मिलान कर लो, भरोसा नहीं है कई बच्चों को, कई जो मूर्ख रोग हो गए ना वो शुरुआत में छोड़ के चले गए होंगे। ठीक है, अभी जो सुन रहे हैं इस घड़ी, वो आप हिंदी का पेपर जाके मिलान करो, एक लॉन्ग वीडियो मिलेगा आपको 3 घंटे 26 मिनट का लॉन्ग वीडियो, अभी भी जुड़ा हुआ है उसमें ABCDE ये पूरे जोड़े थे, और आप कहोगे तो संस्कृत की भी ए से लगा के अब तक पूरे जोड़ दूंगा, पूरा सॉल्यूशन, उसमें संस्कृत भाषा का निबंध, अवकाश सब की ऐड कर दूंगा, पर आप हमारा साथ दीजिए क्योंकि हम आपके लिए ही निरंतर कार्य कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक पदेन उत्तरम, ठीक है, कुर्तुम इतस्मिन पदे प्रत्यय अस्ति तुमुन तुमुन, गतवान अत्र का प्रत्यय, गतवान में कौन सा प्रत्यय है, ठीक है, तो गतवान में आपका कतवतु प्रत्यय, कतवतु, ठीक है, नेतुम इतस्मिन पदे प्रत्यय अस्ति, नेतुम में कौन सा प्रत्यय है आपका, तो देखिए नेतुम में भी आपका कतवतु प्रत्यय रहेगा। ठीक है भैया, केसाम माला रमनिया हरित तरु ललिता नाम, तो यहां पर हम लिख लेते हैं लता नाम। ठीक है, सर्वदा सर्व कार्येषु का बलवती बुद्धि, ठीक है, मनुष्य नाम महान रिपु का आलस्यम, ठीक है, अब है आपका आम नाम है गमिष्यति इतस्मिन पदे लट लकार अस्ति ना, एकदम राइट रहेगा, अप्रश्यन इतस्मिन पदे लंग लकार अस्ति आम रहेगा, गच्छामि इतस्मिन पदे एक वचनम अस्ति आम, लभन्ते तस्मिन् पदे मध्यम पुरुष अस्ति, लभन्ते में कौन सा मध्यम पुरुष है ना, ठीक है, दुर्व्यवहार तस्मिन् पदे दूर उपसर्ग अस्ति ना, दुष्कर्मम में भी आपका दू उपसर्ग है नहीं, दूर उपसर्ग है। ठीक है, अब यहाँ से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 शुरू हो गया है। केशाम माला रमनिया हरित तरु ललित नाम आ जाएगा, यहाँ से पाद ध्वनि ना आ जाएगा, तीसरे में टीम को हटा देना है, इसको पूरा लिख देना है, ठीक है, यहाँ से पीका लिख देना बेटा, है ना, ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, ये इसका अथवा रहेगा, ठीक है, ये ढूंढ लेना, नहीं मिला था तो नहीं बताया है ना, जो चीज़ें बताऊंगा वही चीज़ें बताऊंगा जो चीज़ आपकी 100%, ठीक है, अच्छी है, ठीक है भैया, फंसने वाली है, हो गया भैया। यदि हम बात करें आगे की तो ये देख सकते हैं 9वां क्वेश्चन, वैसे बच्चों ने यहाँ पर लिख दिया है ये, है ना, ये क्वेश्चन नंबर 9 जो है इसको देखिएगा यहाँ से, ठीक है, ये आपका चातक आ जाएगा इसमें, हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 10 का स्क्रीनशॉट ले लेना है ना भैया, ले लिया, ये आपका देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है, हो गया, इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 11 आपका यहाँ पर की दृश्यम आ जाएगा,
यहाँ से को आ जाएगा और यहाँ से कस्मात आ जाएगा। प्रश्न निर्माण में क्या करना है, ये चीज़ें हटा देनी है और इनको लिख देना है। अब अगला क्या है अपना, उसको ध्यान से देखो। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है कि का किम किम का कथ्यति, हो गया इतना, स्क्रीनशॉट ले लो आप तो तुरंत लो बेटा। यहाँ से देखो इसका आंसर ये यहाँ रहा आपका क्वेश्चन नंबर 12 का। बढ़िया से करो यार, हमारा भी उद्देश्य यही है कि आप अच्छे अंक प्राप्त करो। क्वेश्चन नंबर 13 में आपके सुभाषतानी श्लोक है, ठीक है, कितने क्या है सुभाषतानी श्लोक, और सुभाषतानी श्लोक कोई से भी तीन कर लेना, यहाँ से ये तो दो, ये तीन हो गए, तीन कोई से भी कर लो यहाँ पर। इसके अलावा जो जमे वो करो, ऐसा थोड़ी है कि यही करना आपने, इतने सारे श्लोक दिए, ये स्क्रीनशॉट ले लो, जो जैसा जमे जिसको जो आता हो ये यहाँ से, ठीक है। बढ़िया से मैं आपको पूरा सोल्व कराऊंगा, घबराना नहीं है ना। मम दुग्ध रोचते, देखिए मम हटा देना, महाम दुग्ध रोचते, पत्रा पतंती पत्रानी पतंती, गणेशाय नमः गणेशा नमः, सैनिका अश्वेन पतती अश्वात आ जाएगा, है ना भैयू। चलिए यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की, तो इसमें देखिएगा पहले में एव आ जाएगा, दूसरे में आपका चीते, ठीक है, तीसरे में आपका आत्म श्लाघहीन आ जाएगा, चौथे में मते आ जाएगा, पांचवे में आ जाएगा। ये देख सकते हैं आप, तो बढ़िया से करो कंप्लीट, ठीक है। जिन बच्चों को ये बार बार लग रहा है ना कि ये चीज़ें फर्जी देते हैं, तो भैया मैंने कब बोला है कि मैं रियल दे रहा हूँ, मैं फर्जी भी नहीं दे रहा, मैं बार बार बोल रहा हूँ बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ आपको। आप क्या मालूम क्या किस भ्रम में जी रहे हो अभी भी, कई बच्चे कमेंट कर इसी वीडियो के नीचे देखना, और आप जो बच्चे देख रहे हैं ना उन ढोरों को थोड़ा सा अकल दे देना कि भैया हजार बार पेपर में बोल चुके हैं कि रियल पेपर नहीं है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पर हाँ फंसेगा। और यदि वास्तव में यार विश्वास मानो यार, बार बार इसलिए तकलीफ इसलिए होती है कि बेटा यार आप समय निकलने के बाद उसके वैल्यू समझोगे, समय निकल जाएगा ना उसके बाद में तरसोगे इस चैनल के लिए। आप ये मैं कह रहा हूँ बार बार, अरे काश हम पहले देख लेते यार, इसका पूरे फंसा यार, पूरा फंसा, हिंदी में भी पूरा फंसा यार, आप देख तो लो एक बार, ठीक है। यहाँ से देखिए 96% 91%, ये कोई वैसे थोड़ी बने यार, दिन रात मेहनत करती है करिए जब जाके बनती है ऐसी, ये थोड़ी मेहनत है ना बेटा, करो मेहनत यार आप भी। यहाँ से बात करेंगे तो पहला आपका ये पहला हो जाएगा, है ना, दूसरा जो है वो ये बनेगा, तीसरा आपका यदि वाली लाइन रहेगी और चौथा आपका ये रहेगा, ठीक है भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए इसके बाद में है वाच्य परिवर्तन, तो ये यहाँ पर देख सकते हैं आप वाच्य परिवर्तन को, ठीक है, बढ़िया से कंप्लीट करना है। चलिए यहाँ पर अपना वाच्य परिवर्तन के लिए आपको ये यहाँ से देख लेना, इतनी चीज़ें इनमें मिल जाएगा आपको वाच्य परिवर्तन, ये तो मतलब इनमें ये यहाँ से आपने इतना कर लिया नहीं जिसमें काम पूरा हो जाएगा, ये गारंटी ले लूँगी ना। वाच्य परिवर्तन इनमें से आता है बस, हर साल हो गया यहाँ से, ये इतना गया है और ये इतना गया है बस, इसके अलावा पढ़ना भी नहीं अपने को कुछ भी, ये वाच्य परिवर्तन हो जाएगा। और इसके बाद में अपन आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 को ध्यान से देखेंगे, ये यहाँ पर है ना, हो गया इतना, ये पेपर का स्क्रीनशॉट ले लो आप तो पहले ना, हो गया भैया इतना नहीं हुआ, ये थोड़ा छोटा कर दो क्या, ये थोड़ा छोटा कर दे लो, ठीक है, हो गया पूरा। अब इसका आंसर की बात करें तो ये रहा आंसर, और इस तरीके से आपको परीक्षा में लिख के आना है, हो गया। ये 18वें का अथवा वाला है, तो ये 18वें का अथवा वाला का आंसर है ये है, हो गया भैया, ले लिया स्क्रीनशॉट। यदि हम बात करें तो यहाँ से इसका, तो ये हो जाएगा इतना, हो गया, ये यहाँ से, ठीक है भैया। क्वेश्चन नंबर 19 की हम बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 19 को ये देखो यहाँ पर, ठीक है, हो गया है, तो ये क्वेश्चन नंबर 19 आपका, हो गया। चलिए इसके अथवा में की बात करेंगे तो ये क्वेश्चन नंबर 19 का अथवा रहेगा यहाँ पर, देख सकते हैं, अभी पेपर का स्क्रीनशॉट भी दे दूंगा, अथवा वाला क्वेश्चन नंबर 19 का अथवा ये रहा, ले लिया स्क्रीनशॉट। यदि अपन आगे बात करते हैं तो ये यहाँ पर देख सकते हैं आप, ठीक है, जहाँ पर अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 20, हो गया इतना। इसके बाद में इसका अथवा ये रहा, ये आपका क्वेश्चन नंबर 20 हो गया, नहीं ये यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, जननी जन्मस्य भूमिस्य गरिष्यसि जननी सर्वादेयस्यसि, ये जो अपन ने एक सेपरेट वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा इसे, ठीक है, आप तो बढ़िया से कंप्लीट करना उन्हें, ये आपका